सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम श्री प्रकाश दत्त। आप ठाकुर जी महाराज सेवा समिति के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं और नवाबगंज में जो ठाकुर जी महाराज की प्रॉपर्टी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? मैं आपको इस संबंध में बताना चाहूँगा कि श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान मंदिर बजरिया मोतीलाल शहर बरेली की नवाबगंज स्थित जिम्मेदारी है। मोहाल सुर्ख, मोहाल सर्ख, मोहाल जंगारी श्री ठाकुर जी महाराज के। मोहाल सुर्ख के अंतर्गत खाटा घाटा संख्या 719/940 श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान मंदिर के नाम था। नवाबगंज में कार्यरत लेखपाल के द्वारा अपने अन्य साथियों से मिलीभगत करके बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उस डाटा संख्या को इनने अपने अपने परिजनों के नाम दर्ज कर दिया और उस पर अवैध रूप से निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया। जब हमें इस चीज़ की पता लगी तो हमने आयुक्त बरेली परिचित बरेली को अपना प्रार्थना पत्र दिया था। आयुक्त बरेली प्रार्थना पत्र पे आयुक्त महोदय ने जांच कराई थी। आयुक्त का निर्देश पत्र मेरे पास ये है, आप देख सकते हैं इसे जी। इस पे जांच हुई थी, जांच श्रीमान तहसीलदार साहब नवाबगंज ने करी थी। वो जांच ये है, और उस जांच के आधार पे ही कमिश्नर साहब के विभाग पे जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि आप थाने जाके अपनी FIR लिखाओ। उन्हीं के आदेश के अनुपालन में हमने FIR भी लिखाई थी। वो FIR के FIR लिखाने के बाद विवेचकों ने जो है उस पर FIR लगा दी। हम अदालत गए, अदालत पर पुनर्विवेचना हुई, उन्होंने उसी को डिटो कर दिया। अंततः अदालत ने 3 बिंदु तय कर दिए। उन 3 बिंदुओं पर विवेचना ना करते हुए उन्होंने फिर FIR लगा दी। फिर मजबूरन हमें DGP को प्रार्थना पत्र देना पड़ा, ADG महोदय को प्रार्थना पत्र देना पड़ा। ADG महोदय ने अपने स्तर से SP क्राइम साहब से जांच करवाई और उस जांच में SP क्राइम साहब ने पाया कि तीनों विवेचकों द्वारा घोर लापरवाही बरती गई है। इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की संपत्ति की गई और धारा 183(8) के तहत पुनर्विवेचना के आदेश पुनर्विवेचना की उन्होंने संपत्ति की। उस संपत्ति के आधार पर ADJ साहब ने SPRA साहब को तीनों विवेचकों की विवेचना में पाए गए दोष के लिए अग्रिम विवेचना कराई, जिसमें SPRA साहब ने भी उन तीनों विवेचकों को दोषी पाया है और 173(8) के आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने किए हैं, जो इंस्पेक्टर क्राइम उसकी जांच कर रहे हैं। जो जांच SP क्राइम साहब ने की है वो मेरे पास ही है और इसी जांच के आधार पर पुनः विवेचना के आदेश जो हैं उन्होंने किए हैं। अब 173(8) की पुनर्विवेचना जो है जारी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ADA साहब को, जिन्होंने न्याय की दिशा में पहल की। पूर्वगामी सरकार के अधिकारियों ने जो अपने पद और अपनी कलम का दुरुपयोग करके मूल्यवानों को अनुचित लाभ दिया और उस लाभ के रूप में उस लाभ की वजह से आज उन पर विभागीय कार्रवाई संभव हुई। और मेरी यही अभिलाषा है कि आगे 173(8) की विवेचना में अगर न्याय मिल जाए तो ज़्यादा उत्तम है। आप लोगों को सबको याद भी होगा कि इस जगह को लेके समाज की भी निगाह है, समाज भी प्रशासन की एक्टिविटी को बात कर रहा है और अगर पुलिस इस संबंध में न्याय करती है तो निश्चित तौर पर पुलिस का इकबाल बुलंद होगा। और अभी तक तो मुझे अपेक्षा है, क्योंकि इसमें ADJ साहब स्वयं इस चीज़ को संज्ञान लेके उन्होंने ये सब कुछ करवाया है, तो मुझे ADJ साहब के माध्यम से ये अपेक्षा है कि इसमें अब न्याय सत्य मिलेगा। जो अभियुक्त लोग हैं वो लोग जेल जाएंगे और ठाकुर जी महाराज की जमीन मुक्त होगी।